एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रोमिंग। तो आज के वीडियो में मैं अनदर सारी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ये ड्रेपिंग होने वाली है बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक। तो इस ड्रेपिंग को करके आप एक सिंपल सी साड़ी से डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक साड़ी को पहन करके एक लुक क्रिएट करके बोर हो चुके हैं तो आप एक साड़ी को डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। तो आने वाली अपकमिंग वीडियोज में आप ऐसे ही एक सिंपल सी साड़ी को जो आप ऑलरेडी वेयर कर चुके हैं उसको मैं अलग अलग तरीके से ड्रेप करके और एक मॉडर्न वे में रिप्रेजेंट करूंगी आप लोगों के सामने। तो ये ड्रेपिंग आप गरबा नाइट्स में भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप करवा चौथ के लिए चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ यूनिक पहनना है, कुछ अलग दिखना है या फिर आप अपनी पुरानी साड़ी को ही फिर से रीयूज करना चाहते हैं तो आप इस मॉडर्न तरीके से इस साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं और बिल्कुल अलग लग सकते हैं। तो आज मैंने ली है एक साड़ी और एक दुपट्टा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सिंपल सा दुपट्टा और ये कॉटन का दुपट्टा है सिंपल सा, और मैंने ली है एक सिल्क साड़ी और इसका बॉर्डर ऑरेंज था। ये रीज़न है कि मैंने जो दुपट्टा लिया है वो मैंने लिया है ऑरेंज एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में। तो आप कोई सी भी लाइट कलर की साड़ी लीजिए और उससे बॉर्डर से मैचिंग दुपट्टा लीजिए या फिर आप आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ड्रेपिंग शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी ड्रेपिंग शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड से साड़ी को टक करना शुरू करेंगे अपने पेटीकोट या फिर डीकोट के अंदर और बेली बटन तक साड़ी को लेकर के आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक वाला टक है जो नॉर्मल साड़ी वेयर करने में हम लोग बेसिक वाला टक करते हैं। तो बेली बटन के पास लाके साड़ी को अभी छोड़ देंगे और दुपट्टे को लेंगे। दुपट्टे को भी अपने कमर के साइड से राउंड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट हैंड शोल्डर पे अभी साड़ी को रफली प्लीट करके अपने शोल्डर पे रख लिया है और अब मैं बनाऊंगी साड़ी की प्लेट्स। तो यहाँ पे साड़ी का ये पल्लू वाला सेक्शन है जो कि ऑरेंज कलर का है, तो इसको मैंने अंदर की तरफ एक बार फोल्ड कर दिया है, उसके बाद नॉर्मल प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी के लास्ट वाले एज से प्लीट्स बनानी शुरू की है। नॉर्मली साड़ी में हम लोग बेली बटन के पास से प्लीट्स बनाना शुरू करते हैं बट यहाँ पे हमें पूरी साड़ी का प्लेट बनाना है तो इसलिए मैंने साड़ी के आंचल वाले सेक्शन से ही प्लीट्स बनाना शुरू किया है। तो इसमें बहुत सारी प्लीट्स बनेंगी तो आप यहाँ पे सिल्क साड़ी का यूज़ करें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी आपके लिए। तो नॉर्मल फोर फिंगर की हेल्प से प्लीट्स को बनाते जाना है। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि साड़ी की प्लीट्स कैसे बनाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और बाद बाकी जो सारी ड्रेपिंग वीडियोस की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हो रही है। तो प्लीट्स बनाने के बाद मैंने अच्छे से एक शर्ट गैदर कर लिया प्लीट को और इसे मैंने अपने बेली बटन के पास टक इन कर लिया। तो अभी यहाँ पे मैंने प्लीट्स को कर लिया अच्छे से अरेंज, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। बिकॉज मुझे ऑरेंज वाला जो पल्लू वाला सेक्शन था वो आगे की तरफ रखना था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाले सेक्शन को फ्रंट की तरफ एक बड़ी मोड़ लिया था। अब यहाँ पे मैं कर लूँगी अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पे अपने दुपट्टे को ओपन करके अरेंज और इसे कर लूँगी सेफ्टी पिन से सिक्योर। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना कम्प्लीट लुक। मैं हूँ गरबा नाइट के लिए रेडी। तो देखिए मेरा कम्प्लीट लुक। ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दिया। तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल।